हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रिशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशुज ब्लॉग्स में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आप सबके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, मैम ऐसे में क्या करें, क्या इससे घर में बच्चे पर भी कोई फ़र्क पड़ता है और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से हम कैसे निपटें, कैसे इस चीज़ को हम सही करें। कई लोगों को प्रेगनेंसी में खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सारी मेडिसिन ले लेते हैं तब भी आराम नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप सर्दी खांसी जुकाम से राहत पा सकते हैं, और ये भी बताऊंगी कि सर्दी खांसी जुकाम का आपके घर में बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो ये वीडियो हमेशा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठंडियों का टाइम आ रहा है तो ये दिक्कत तो होने ही वाली है सभी लेडीज़ को, तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है ना कि आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आपकी कम हो जाती है, जिस वजह से कोई भी इन्फेक्शन वायरल आपको पकड़ लेता है और सर्दी खांसी आपको ईजिली हो जाती है। पहले हम जानते हैं उपाय। सबसे पहला टिप्स है इससे बचने के लिए कि आपको गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। जरूरी नहीं उसमें आप विक्स वगैरह कुछ भी डालें, आप ऐसे ही नॉर्मल गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, सुबह लेनी है, एक बार सोते टाइम आपको जरूर लेनी है। जैसे आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, उससे पहले आप गर्म पानी की भाप एक बार जरूर ले लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी सर्दी खांसी जुकाम में, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आपको अपने सर के नीचे पिलो लगाकर जरूर लेटना चाहिए, जिससे कि आपका जो हेड है वो थोड़ा सा अप रहे इस तरीके से, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और आपको राहत मिलेगी। इसके बाद तीसरा टिप्स, सुबह सुबह आपको क्या करना है कि एक ग्लास गुनगुने पानी में एक चम्मच हनी डाल के आपको पी लेना है, सिप सिप करके, से आप चाय पीते हैं वैसे आपको पी लेना है। इससे क्या होगा, खांसी के टाइम या जुकाम के टाइम जो आपको गले में खराश होती है उससे आपको सर्दियाँ आराम मिल जाएगा। ये बहुत अपनाया हुआ टिप्स है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद चौथी चीज़, जब आपको प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, सोएं ज़्यादा, नींद आती है तो आप सो जाएं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी जब आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे या ज़्यादा नींद लेंगे। और आप साथ में अदरक वाली चाय भी ले सकते हैं जब आपको प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी हो जाता है, तो अदरक थोड़ा सा आपको यूज़ करना है, ज़्यादा अदरक की चाय नहीं पीनी है, स्ट्रॉन्ग अदरक की थोड़ा सा अदरक यूज़ करें और चाय बना लें। लेकिन अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है तो दूध का कम से कम यूज़ करें, दूध ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो दूध से फिर और ज़्यादा खांसी आती है, ठीक है। और जब खांसी होती है ना तो आपको दूध अवॉइड करना चाहिए, दूध फिर नहीं पीना चाहिए जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हो जाती है, और घी का भी आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दूध और घी से खांसी ज़्यादा बढ़ती है। ठंडी चीज़ें भी जुकाम खांसी होते टाइम आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद जो एक कारगर उपाय है वो ये है कि तुलसी के 3 से 4 पत्ते लेने हैं, उनका पेस्ट अच्छे से बना लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको हनी ऐड करना है, मतलब हनी मिला लेना है और उसको आपको खा लेना है, इससे आपको सर्दियाँ, सर्दी जुकाम खांसी में आराम मिलेगा। बहुत कारगर टिप्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर्दी खांसी से तो इसको ज़रूर अपनाइएगा। जैसे आप सबको पता है ना कि तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो हर बीमारियों का सॉल्यूशन होती है, स्पेशली सर्दी जुकाम खांसी का, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, इसीलिए आप ये टिप्स ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको सर्दी खांसी में आराम मिलता है। ब्रीदिंग में जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जो आपको सर्दी खांसी में आराम दिलाती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सर्दी खांसी अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी है, बार बार आप खांस रहे हैं, तो ज़्यादा खांसी से भी घर में बच्चे पर दबाव पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सर्दी आपकी ठीक नहीं होती है। जो मैंने ये सारे टिप्स बताए हैं इनको अपनाने के बाद भी आपकी सर्दी खांसी जुकाम नहीं जाता है तो आपको ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहिए, मतलब इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अपने आप से कुछ भी हो जाए प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी है, कोई भी ये चीज़ जो मार्केट में चीज़ें आती हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए, वो आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद से मेडिसिन लेना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए।
आप जानते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम का बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स, वैसे सर्दी खांसी जुकाम का बच्चे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर ज़रूर बच्चे पर फ़र्क पड़ सकता है। अगर ज़्यादा दिक्कत आप फेस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।